हमारी स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल पे। जब लड़का शादी करके अपने घर पहुंचा तो सबने उससे पूछा क्या मिला है दहेज में। कुछ देर तो लड़का चुप रहा, फिर जब उसने अपनी दुल्हन की रोने की आहट हुई तो उससे नहीं रहा गया। वह बोला, आज मैं दुनिया का अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और तो और एक माँ ने जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी संतान नहीं दे सकती, वो माँ ने अपने आंचलों की खेली हुई गुड़िया दे दी। तो और क्या चाहिए मुझे। ऐसे सोच रखने वाले लड़कों को यूनियन डेली न्यूज की तरफ से सैल्यूट है। इस प्रथा बेटियों को आत्मनिर्भय और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होने में मदद करने के रूप में शुरू हुई थी, क्योंकि वे विवाह के बाद नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करती हैं। यह सदियों से भारत में प्रचलित है। दहेज पहली समाज में प्रचलित बुराइयों में से एक है। इससे कई तरह के मुद्दों से जैसे कन्या का हत्या, लड़की के परिवार में विवाद, हत्या को जन्म दिया है। यह समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कानून बनाए हैं। आज भी कई जगह भारत में लड़की और उसके परिवार के लिए पिंडा का कारण है। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए सरकार और आम जनता को साथ खड़ा होना होने की बहुत ही जरूरत है। आपको बता दूं तो दहेज लेकर भी बहुत से लोग लड़कियों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं। ऐसे दहेज लोभियों की कड़ी से कड़ी सजा प्रावधान होना चाहिए। क्या दहेज प्रथा कभी खत्म होगी? दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है जिसके अनुसार विवाह के समय पिता अपनी बेटी के ससुराल विदा करते समय उसके साथ कुछ तोहफा और धन भी भेजता है। इस धन और तोहफा को स्त्री धन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में पुरुष अपनी पसंद की स्त्री का हाथ मांगते समय उसके पिता को कुछ तोहफे उपहार में देता था। समय बदला और पिता अपनी पुत्री को अपने इच्छा अनुसार तोहफा देने लगा। ससुराल पक्ष इसमें ना तो कोई मांग रखता था और ना ही दहेज को अपना संपत्ति कह सकता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुकी है और जैसे ही हालात बदलती है वैसे ही प्राचीन काल में शुरू हुई यह परंपरा आज अपने पूरी विकसित और दूरित रूप में हमारे सामने खड़ी है। दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिला के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक की हो या शारीरिक हो, को बढ़ावा देता है। इस वास्तव ने समाज के सभी वर्ग को अपनी चपेट में ले ली है। अमीर और संपन्न परिवार इस प्रथा के अनुसार अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा देखने के लिए करते हैं। वही की निधन अभिभावकों के लिए बेटी का विवाह में दहेज देना उनके लिए विस्तार बन जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान सम्मान को समाप्त करेगी। साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किया तो ससुराल में उनका जीना तक दुर्भाग्य बन जाएगा। उन्हें लगता है कि बहुत सारा उपहार और धन दे के बेटी को विदा करेंगे तो सीधा उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और उनके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में मान सम्मान और प्रेम मिलेगा। हमारा सामाजिक परिवार कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके अधिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिस्थितियों में लोग का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो चार होना पड़ता है। यह मनुष्य के लालच और उनकी आस्थिक आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 1960 में दहेज प्रतिदोष अधिनियम पारित किया था, लेकिन आज भी इसके स्वरूप या पारिवारिक मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके विपरीत किसी लोकप्रियता और चलन दिन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक बहुत ही बड़ा कलंक है जिसके परिणाम स्वरूप ना जाने कितने ही परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कितनी महिलाओं ने अपने प्राण गंवा दिए हैं और कितने ही अपने पति और ससुराल वालों की जयादित की शिकार हुई है। सरकार
ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए कई योजना और कानून लागू किए हैं, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा और समाप्त कर पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही रूपरी तौर पर इस कुप्रथा का कोई भी पक्ष ना हो, लेकिन अवसर मिले तो लोग दहेज देने से नहीं चूकते। अभिभावक भी अपने बेटी के दहेज देना पड़े तो गर्व की बात समझते हैं। उनकी यह मानसिकता मिटा पाना लगभग असंभव है। दहेज लेना मत समझो शान, जिसने ली है बहुत मासूमों की जान। पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। एक प्रथा नहीं, भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। फर्क बस इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी है और लेने वाले की अकड़ बढ़ी है। रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, पैसे से नहीं, यह बात को कृपया अपने ध्यान में रखें। इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद। ऐसी और जुड़ी खबरों के लिए यूनियन डेली न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।